अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन कॉर्नर। आज हम बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस तड़का दाल, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट्स की तरह बनेगी लेकिन घर पर और घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही सिंपल वे में और आसान तरीके से। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, ये बहुत ही ईजिली बन जाएगी घर में घर के इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके लिए हमने सबसे पहले भीगी हुई दाल को पतीले में डालना है और अभी स्टोव नहीं चलाना, चूल्हा यानी कि नहीं चलाना है। दाल में मैंने मूंग की दाल ली है तकरीबन एक पाव, और एक पाव साथ चने की दाल ली थी। इन दोनों को इकट्ठा मैंने भिगो के रख दिया था पानी के साथ 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद पानी निकाल कर फेंक दिया और उस दाल को मैंने पतीले के अंदर डाल दिया है। नेक्स्ट हमने इसमें पानी डाल देना है तकरीबन इतना कि दाल अच्छी तरह से भीग जाए इस दाल को गलाने के लिए। उसके बाद मैं चूल्हा जला दूंगी और उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। चूल्हा जलाने के बाद मैंने जो सबसे पहला इसमें इंग्रेडिएंट डाला है वो है नमक। नमक तकरीबन मैंने डाला है इसमें 1 टेबलस्पून, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि जितना आपको पसंद हो उतना डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, यानी कि सुर्ख मिर्च का पाउडर 1.5 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर पाउडर, यानी कि खुश्क धनिए का पाउडर, वो भी 1.5 टेबलस्पून। उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर, तकरीबन 2 दफ़ा मैंने आधा आधा चम्मच डाला था, तो 1 टीस्पून फुल कह लें। उसके बाद हमारा बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है जो कि है लहसुन पाउडर। ये मैंने ऐड किया था तकरीबन 1 टीस्पून। आप लहसुन पाउडर की जगह कुटा हुआ ताज़ा लहसुन भी ले सकते हैं, वो तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच बीच में जाएगा, और उससे बीच में दाल में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, यानी कि कह लें रेस्टोरेंट्स की तरह अच्छी सी दाल बनेगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको ढक कर गल जाने तक हल्की आंच पर छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। और ये देखें कितनी परफेक्ट दाल गल चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ होनी चाहिए, बिल्कुल मर्ज हुई हुई। इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज भी मैंने ऐड कर दी थी पहले ही, जो कि मैं दिखाना भूल गई हूँ बट ऐड की थी, उससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। अब हमने बनाना है इसके लिए तड़का, जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 प्याली घी या फिर तेल, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी लें। उसके अंदर मैंने ज़ीरा और लहसुन के छोटे छोटा चॉप किया हुआ लहसुन 1 अदद लहसुन डाला है, और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद हमने इसमें डालनी है 2 से 3 कटी हुई ग्रीन चिलीज यानी कि सब्ज़ मिर्चें, और 3 तकरीबन सूखी हुई सुर्ख लाल मिर्चें। और ये देखें हमारा परफेक्ट तड़का रेडी है। अब हमने क्या करना है कि इस तड़के को हमने पहले से बनाई हुई गली हुई दाल के ऊपर डाल देना है और थोड़ा सा चम्मच से हिला देना है ताकि सारे फ्लेवर्स मर्ज हो जाएं। इसके बाद ये परफेक्ट दाल रेडी है और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से, घर के इंग्रेडिएंट्स से बनी है और बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनती है। बिल्कुल आप यकीन करें ये होटल या रेस्टोरेंट की तरह बनती है और सिंपल वे में, और इस तड़के से इसमें फ्लेवर इतना अच्छा आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा इसे इंजॉय करेंगे और पसंद करेंगे। इस तड़के में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो चॉप किया हुआ लहसुन है, और ये सुर्ख मिर्च और सब्ज़ मिर्च भी, इनसे फ्लेवर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये देखिए हमारी मज़ेदार दाल तैयार है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनेगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और रेसिपी को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।